हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुहू की कहानी। एंड आज की वीडियो बिल्कुल अलग होने वाली है एंड आई एम सो एक्साइटेड। अगर आपने आज तक मेरी वीडियोस देखी है, जो कि बहुत कम जिसकी परसेंटेज है, तो अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो यूजुअली आपने देखा होगा कि मैं जो भी हरकतें करती हूँ अपने वीडियोस में, वो मैं अपने राइट हैंड से करती हूँ। बट आज मैं अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड बनाऊंगी, यानी कि आज मैं लेफ्ट हैंड से सब कुछ करूंगी। और ये चैलेंज मेरे प्रिय दोस्तों ने मुझे दिया है कि मुझे अपना नाम लेफ्ट हैंड से लिखना है और उस पेज को डेकोरेट करना है। तो आई एम स्केयर्ड बट लेट्स डू इट। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ क्या क्या मेरे पास। मेरे पास है गोल्डन टेप, सीजर्स जिससे मैं बॉर्डर बनाऊंगी, बेसिकली बॉर्डर चिपकाऊंगी। देन आई हैव ब्रश पेंस एंड पोश्ता। जस्ट किडिंग, मेरे पास इसके अंदर स्केच पेंस पड़े हुए हैं, थोड़े अजीबोगरीब से छोटे छोटे स्केच पेंस हैं और इससे मैं डेकोरेट कर रही हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेप नंबर वन ये है कि मुझे ये टेप लगाना है पूरे बॉर्डर में लेफ्ट हैंड से। तो ये होगा डाट ऑफ, नॉट डाट ऑफ। ओके, तो मैं लेफ्ट हैंड से बॉर्डर लगाने वाली हूँ। ये तो टेबल से चिपक गया, एनीवेज लेफ्ट हैंड से सीधा मैं पहली बार इस्तेमाल करूँगी। मम्मी यस, डन, ये डन। अब इधर लगाते हैं। यार ये टेप टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, बट हम खुद भी राइट हैंड से नहीं कर सकते, राइट? सो ऐसे ही रखना पड़ेगा। ओके, अब है नेक्स्ट मुझे अपना नाम लिखना। तो मेरा असली नाम, जो आप लोगों को नहीं पता है, और वो बहुत बड़ा है, मतलब वो 8 letters का है, तो मैं इतना ज़्यादा जोखिम नहीं ले सकती। तो मैं अपना निकनेम लिखूंगी शॉर्टकट। भी कोई गंदा नहीं आया। अब मैं कौन होती हूँ। अगर आपको ये हैंडराइटिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ जाकर नीचे कमेंट कीजिए कि कैसी लगी। अब नेक्स्ट हम ये वाले कलर्स लेंगे, हम बिल्कुल अलग ही लेवल के कलर्स लेते हैं। ओके, तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं दिवाली के पटाखे बनाती हूँ। बाय द वे, ये कलर मेरे ड्रेस के साथ मैच कर रहा है बिल्कुल। तो अभी हम ऐसे करके जो होता है ना, ये बनाएंगे, इधर भी बना लेते हैं और इधर भी। गुड, अच्छा बना। ओके, उस शेड मैंने बंद कर दिया कवर, कोई बात नहीं, थोड़ी सी चलती है। अब इसका डार्कर शेड लेंगे एंड ओए, हाँ इसका डार्कर शेड लेके हम क्या बना सकते हैं। इधर मैंने पहले इतना गंदा कर दिया, इसको उसके बीच में थोड़ा सा फूल जैसी प्रिंट बना देते हैं। बाय द वे, अगर आप में से कोई लेफ्ट हैंडेड है तो इस वीडियो को पक्का लाइक करना। मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोग लेफ्ट हैंडेड हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, तो अब मैं क्या बना सकती हूँ। अब मैं एक फ्लावर बनाऊंगी, बट मैं इससे नहीं बनाऊंगी, अब मैं पोस्टा से बनाऊंगी। पोस्टा, तो मेरे पास यार इतने सारे स्केच पेन हैं। ओके, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। सब लेफ्ट हैंड से हो रहे हैं, सब कुछ लेफ्ट हैंड से हो रहा है। इसको खोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बनाते बनाते इतनी बातें की कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं आप सब पक ना जाए और इस वीडियो को छोड़ ना दे। तो मैंने इस वीडियो की जो साउंड ऑडियो थी वो मैंने म्यूट कर दिया है। तो अब आप आराम से मुझे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड से बनाते हुए चीज़ें। एंड यस, मैंने कोई चीटिंग नहीं की है, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं की है मैंने। मैंने सब अपनी मेहनत से ही किया है, क्योंकि मेरी पेंटिंग देख के लग ही सकते कि नर्सरी से भी गंदा ड्राइंग किया है मैंने। नर्सरी का बच्चा भी मुझसे अच्छा बना ले। अब आने वाला है एपिक रिएक्शन ऑफ माय ब्रदर। अब मेरा भाई रिएक्शन देगा कि मैंने ये कैसा बनाया है। तो ये प्रूफ के लिए उसकी उंगलियां। अच्छा, तो प्लीज़ अपना रिएक्शन दीजिए। ये मैंने लेफ्ट हैंड से बनाया है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, रेट आउट ऑफ 10? देखिए, इसको मैं दूंगा ऑब्वियसली 8/10। क्यों, 2 marks कहाँ भर गए?
मैंने ऐसा तो कुछ गंदा नहीं बनाया, फुल मिल सकता है यार मुझे, लेफ्ट हैंड से मैंने कभी नहीं देखा, देखो मेरे हाथ भी गंदे हो गए। नहीं यार डेकोरेशन ये वाला मुझे राइट हैंड से लग रहा है। नहीं यार मैं अपने वीडियो दिखा सकती हूँ लेफ्ट हैंड से। फ्रेंड्स हमारी लड़ाई तो चलती ही रहेगी ऐसे, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।